कितने साल के हो? 17 साल के। 17 साल के, कब से चला रहे हो रक्षा? 1 साल अभी। यार झूठ बोलने का क्या फायदा, वो गवाही दे रहा हो, कह रहा है कि तुम ही चला रहे हो। वीडियो नहीं बना। कराची के ऊपर कब्जा किया हुआ है असल में बात, ये रक्षे वालों ने। रक्षे के ऊपर आपको नंबर प्लेट पीछे दिखाई नहीं देगी। बता देते ना सब बातें, बता देंगे तो हम कहीं पे भी खड़ा करेंगे भाई। इन लोगों ने ना जीना हराम किया हुआ है भाई। लाइसेंस है? मेरे पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ तो के साथ मैं हूँ मिर्ज़ा शुबान बेग। शहर कराची के वासियों का एक बहुत बड़ा मसला, क्योंकि लोगों की जानिब से बड़ा ब्लेम किया जाता है कि शहर में बढ़ते हुए हादसात के पीछे चिंची रक्षे के ड्राइवर्स का हाथ है। आज हम इस जगह पर आए कि चिंची के ड्राइवर्स से ज़रा मालूम करें, क्योंकि लोग ये कहते हैं इसमें कम उम्र लोग इसे चला रहे होते हैं। नंबर दो, लोगों का ये कहना होता है कि कोई ड्राइविंग की तरबियत नहीं दी गई होती, इनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं होता, जिसके बाइस लोगों को मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। हम जाएंगे इन ड्राइवर्स के पास और इनसे पूछेंगे कि जरा बताइए कि आपकी जेब में क्या ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है या नहीं है। साथ ही यह सवाल भी बनता है कि जब लोगों के पास, शहरियों के पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो फिर लोगों को बिलाखिर इन्हीं चिंची रिक्शों में सफर करना पड़ता है और शहर कराची इनकी आमाजगा बन जाता है। आइए हमारे साथ चल के कुछ करते हैं चिंची के ड्राइवर से बात। लोग कहते हैं कि चिंची जो लोग चला रहे हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं होता, तुम्हारे पास है? मैंने खुद हैवी लाइसेंस है मेरे पास। हाँ, दिखाओगे ताकि लोगों को हम सबूत तो दे। अभी तो घर में है, किन मानो जेब में नहीं है। रक्षे के ऊपर आपको नंबर प्लेट पीछे दिखाई नहीं देगी, नंबर प्लेट का फुकदान है। इसको भी अगर हम आपके सामने दिखाएं तो यहाँ पे भी आपको नंबर प्लेट नज़र नहीं आएगी। और पीछे आते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी से बात की जाए। क्या उम्र क्या है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल की उम्र में तो लाइसेंस मिलता है, उसके पहले से तुमने रक्षे चलाना शुरू कर दी? जी। क्यों? बस वैसे ही। गाड़ी की नंबर प्लेट का है? आगे लगा हुआ है नंबर। पीछे तो होना चाहिए ना, अब आगे से थोड़ी। पीछे गाड़ी लगी थी, वो डेंट निकलवाने के लिए पेपर हटाया था। यार डेंट निकला हुआ तो नहीं लग रहा मुझे, चेक करके देखूं। यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो अलहदा है ना, उसके लिए यहाँ नंबर प्लेट क्यों लगा हुआ ना? मतलब ये देखो जो स्टिकर कंपनी का था वो भी हमने उतार दिया था। लाइसेंस है? काफियों के पास होता है, काफी के पास नहीं भी होता। आपके पास? मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा NIC अभी बना है, लाइसेंस की अप्लाई दी है। क्या उम्र है? उम्र क्या है? एज? मेरी एज है, अल्लाह आपका भला करे, 22 साल। 22 साल में आप जाके NIC बनवाए बगैर लाइसेंस के रक्षा चलाया जाए? कितने साल के हो? 17 साल के। 17 साल के, कब से चला रहे हो रक्षा? 1 साल अभी। मतलब 17 साल की उम्र में तुमने रक्षा जो है वो सड़क पे चलाना शुरू कर दिया था? 1 साल हो गया रक्षा चला। 1 साल हो गया ना, तो यार ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है शुएब? कानून तोड़ना नहीं है ये, कानून तो कहता है कि 18 साल में लाइसेंस बने। लाइसेंस बनवा लिया? बनवाएंगे ना लाइसेंस। क्या बनवाया? बनवाया नहीं अभी, बनवाएंगे ना। कब बनवाओगे? 1 साल से रक्षा चल रहा है लेकिन लाइसेंस नहीं। लाइसेंस के बगैर तो गाड़ी सड़क पर ला ही नहीं सकते, वो तो पता है ना। कितने साल की हो? 17 साल। सर कब से चला रहे हो रक्षा? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से? सर 1.5 साल से बच्चा रक्षा चला रहा है, 17 साल उम्र है। सही है या गलत है? नाइंसाफी है, जुल्म है, क्या है आप बताएं? सही नहीं है बिल्कुल भी, तो 17 साल अभी NIC भी नहीं बना होगा। 18 में NIC बनेगा, उसके 6 महीने में जाके लाइसेंस बनेगा, और ये तकरीबन 15.5-16 साल की उम्र से चला रहे चला रहा है, बिल्कुल सही नहीं है ये तो बिल्कुल। कोई देखने वाला है? कौन देखेगा? कितने साल के हो? मैं 17। 17 साल की उम्र में पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र वाला रक्षा नहीं चला सकता गाड़ी मोटरसाइकिल। तुम क्यों बैठे हो सीट? तुम हो? कहा इनके वालिद कहा है? नहीं है वालिद, यही चलाता है। ये बोल रहा है मैं नहीं चलाता वालिद, वो बंदा तुम्हारा गवाही दे रहा है तुम चला दो। अच्छा कितने टाइम से चला रहे हो रक्षा? नहीं चलाता। यार झूठ बोलने का क्या फायदा, वो गवाही दे रहा हो, कह रहा है कि तुम ही चला रहे हो। बीच रोड पे रोक के क्यों खड़े होते हो? बता देते ना सब बातें, बता देंगे तो हम कहीं पे भी खड़ा करेंगे भाई। बता देंगे तो बदमाश है, कहीं भी लगाएंगे, अपनी मर्जी। हम बदमाश नहीं है, हम बच्चों का पेट पालने के लिए बदमाश बनेंगे, बने नहीं है, अभी कोशिश करेंगे। बड़े लोगों की बड़ी सारी जो है ना वो लॉजिक्स होती हैं चिंची रक्षे और इनके ड्राइवर्स के खिलाफ। आप क्या कहते हैं? रोजी रोटी तो कमा रहे हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि ना इन लोगों ने ना जीना हराम किया हुआ है भाई।
खास तौर पे ना कराची में तो उन लोगों ने ऐसा निज़ाम बजाया हुआ, जहाँ जिसने हाथ दिया वहीं चिंची लगा दी, वहीं कर दिया, कुछ करना कराना है नहीं। लोग परेशान हैं, मतलब कहीं से भी कभी आ जाते हैं, गाय कोई गिर रहा है, कोई जा रहा है, इतना रक्षा उसमें 9-9, 10-10 लोग बिठा लेते हैं ये लोग। मतलब इन लोगों ने तो भाई जीना आराम करा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। मसला ये है कि अभी मेरा ऑफिस ऑफ हुआ है 5 बजे और मेरा यही गुलशन में होता है ऑफिस, मैं बाइक पे आता था ऑफिस, और अब सीन ये हुआ है कि मैं जौहर मोड़ पे तकरीबन आधा से पौना घंटा सिर्फ चिंची की वजह से रश में फंसा रहता था कि वो हटेंगे तो मेरी बाइक आगे जाएगी। मैंने इसी झंझट से बाइक ही छोड़ दी कि मैं बाइक ही नहीं ले जाऊँगा, एक घंटा मैं बैठ के चल जाऊँगा, सुकून से रश में नहीं फंसूँगा, इसके वजह से मैंने बाइक ही छोड़ दी। इनकी वजह से कोई हादसा देखा? हाँ देखा, अभी भी देख कर आ रहा हूँ मैं एक हादसा। कहाँ पे, क्या हुआ था? तो वही रक्षा कटिंग मार के निकला, वो कार में घुस गया, पूरा शीशा टूट गया, कल्टा वाले का ठीक ठाक नुकसान नुकसान हो गया। गलती किसकी थी, गाड़ी वाले की थी रक्षा वाले की? रक्षा वाले की। हाँ भाई, रक्षे वाले की जो होते हैं एक्सीडेंट। जी जी जी, चले जी आगे आते हैं। कराची को इन्होंने, कराची के ऊपर कब्जा किया हुआ है असल में बात, ये रक्षे वालों ने। हाँ, अब आप देख लें 5.5 लाख से ज्यादा जो है यहाँ कराची के अंदर रक्षे हैं। 5 लाख से ज्यादा कराची में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब जो निज़ाम हमारा चल रहा है, यहाँ सिग्नल पे कोई रुकता नहीं है, आगे सिग्नल डिस्को बेकरी के पास आ गई, मेरा भी घर आ गई। लेकिन बात यह है कि इसको संभाल नहीं सकता कोई भी, इसको कानून संभालेगा ना, आम आदमी तो संभाल नहीं सकता। तो कानून अपना किरदार क्यों अदा नहीं करता और क्यों शहर के लोगों को, मतलब हम देखते हैं लाहौर में मेट्रो है, इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, मुल्तान में, इस शहर में क्यों नहीं बन रही? कानून को फॉलो करते हैं, हम नहीं करते यहाँ पर। तो कानून फॉलो करवाना पड़ेगा तो कानून फॉलो होगा ना। कानून जो लागू कर रहे हैं अगर वही अपने आप को सही सिमत कर लें तो मेरे ख्याल से तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अगर हम गलत हो रहे हैं दूसरे भी गलत हो रहे हैं। बात यह है कि यहाँ तो सारा कुछ उल्टा ही चल रहा है निज़ाम। नाज़रीन, हम मौजूद थे शहर कराची की मारूफ गुलशन चौरंगी पर, जहाँ हमने चिंची ड्राइवरों से भी बात की, यहाँ से गुजरने वाले लोगों से भी बात की। चिंची ड्राइवर्स ने जहाँ अपना रोहा सुनाया, अपने दुख दर्द बयान किए, जो अड्डों पे भत्ते और पैसे लिए जाते हैं उनके मुतालिक बताया, वहीं दूसरी जानब जब हमने सवाल किया कि आप रक्षा चला रहे हैं तो क्या आपकी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, तो 1% लोगों के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जब हमने उनसे उनकी उम्र के मुतालिक दरियाफ्त किया तो 16-17 साल की उम्र के बच्चे शहर कराची की मरकजी शाहराहों के ऊपर चिंची दौड़ाते फिर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे राहगीर हजरात ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और अपना दर्द और अपना गम बयान किया। शहर कराची वो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान को कमा कर देता है, लेकिन पूरे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी जाती है, लेकिन शहर कराची के पास ना सर्कुलर रेलवे का वादा पूरा होता है, ना पूरे शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम होता है। सिर्फ रेड बसें चंद की तादाद में लाकर इस शहर के बसने वालों के मुंह पर मारी जाती हैं और कराची के बसने वाले बिल आखिर इन्हीं चिंची रक्षों में धक्के खाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सारा मंजरनामा आपके सामने था। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मिर्ज़ा सुबान बेग को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।